पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने परिसीमन आयोग की रिपोर्ट पर उठाए सवाल, कहा मुस्लिम बहुल राज्य को अल्पसंख्यक में बदलने की हो रही कोशिश, मौजूदा हालात में चुनाव करवाना ठीक नहीं। विपक्ष के सभी वरिष्ठ नेताओं ने जम्मू प्रेस क्लब में की मीटिंग, परिसीमन रिपोर्ट 370 की बहाली और राज्य का दर्जा दिए जाने जैसे मुद्दों पर हुई चर्चा, मीटिंग में महंगाई के मुद्दे पर भी हुआ मंथन। जम्मू में पीडीपी यूथ विंग ने बढ़ती महंगाई को लेकर किया प्रदर्शन, एलपीजी गैस सिलेंडर लेकर की गई नारेबाजी, महंगाई के लिए बीजेपी की गलत नीतियों को ठहराया गया जिम्मेदार। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ, जहां पुंछ में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ हुआ। डेरा की गली वन क्षेत्र में मिला आतंकी ठिकाना, भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद, जहां सुरक्षा बलों ने आतंकियों से जुड़े सामान बरामद भी किए हैं। एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पुंछ के सुरनकोट सब डिवीजन के वन क्षेत्र में शुरू किए गए हैं तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ कर दिया है। सेना और पुलिस ने डेरा की गली के पास वन क्षेत्र में संयुक्त तलाशी अभियान भी चलाया, जहां तलाशी अभियान के दौरान एक आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ किया गया है। इसके साथ ही कुछ गोला बारूद और जूते सहित कुछ अन्य उपयोगी सामग्री जब्त की गई है। तो एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहा है, जहां डेरा की गली वन क्षेत्र में मिला आतंकी ठिकाना, साथ ही भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया गया है और इसके साथ ही पुंछ में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया गया है। एक बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है, जहां आतंकियों से जुड़ा सामान भी बरामद किया गया। तो पुंछ में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़, डेरा की गली वन क्षेत्र में मिला आतंकी ठिकाना, जहां पुंछ में आतंकी ठिकाने को लेकर अब यहां पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। भारी मात्रा में यहां पर गोला बारूद भी बरामद किया गया और ऐसे में अब आगे की जो कार्रवाई है वो भी यहां पर जारी है। हालांकि यहां पर तमाम तरह की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही थी सुरक्षा बलों की तरफ से, और अब ऐसे में आतंकियों से जुड़े कई तरह के सामान भी बरामद किए गए हैं। जहां पुंछ के सुरनकोट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पुंछ में आतंकी ठिकाने का फिलहाल भंडाफोड़ सुरक्षा बलों की तरफ से कर दिया गया, भारी मात्रा में गोला बारूद भी यहां पर बरामद किए गए और ऐसे में आगे की जो कार्रवाई है वो भी उनकी तरफ से बदस्तूर जारी है। ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ ज्योति पचनौंदा जुड़ गई हमारे साथ फोन लाइन पर। ज्योति, पुंछ में आतंकी जो यहां पर गतिविधि थी उस पर रोक लगाने को लेकर एक बड़ा भंडाफोड़ किया गया है, इसके अलावा क्या कुछ अपडेट? पुंछ में हमारे सुरक्षा बलों की जॉइंट टीम ने पूरे पुंछ के डेरा की गली एक क्षेत्र है, पुंछ और राजौरी के बीच में जी। बहुत ही मनोहर क्षेत्र है, टूरिस्ट स्पॉट भी से कह सकते हैं, लेकिन वहां पर आतंकवाद होने की वजह से कोई लोग कम ही वहां जाते थे, तो उसी को चलते हुए सुरक्षा बल रेगुलर वहां पर पेट्रोलिंग करती है और सर्च अभियान वहां पर शुरू किया जाता है। और आज इसी अभियान के दौरान सेना को वहां पर एक आतंकी जो मॉड्यूल था, आतंकी तो आतंकियों का ठिकाना था जहां वो रुकते थे, अपनी चीजें हाइड करते थे, उसका भंडाफोड़ किया गया है, जहां से कुछ वेपन्स मिले हैं और कुछ उनकी जरूरत का सामान मिला है, जैसे कुछ बर्तन हैं, जूते हैं और कुछ पुस्तकें वहां पर मिली हैं, जिसको सुरक्षा बलों ने अपने कब्जे में कर लिया हो और आगे की जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं कि आतंकी यहाँ पर किस किस तरह की प्लानिंग करते थे और यहाँ से किस तरह आगे अपने प्लान को फॉरवर्ड किया। लेकिन ज्योति, क्या कुछ आगे की जानकारी निकल पाई है कि अब आगे सर्च अभियान और सुचारू रूप से चलाया जाएगा, ताकि और भी आतंकी गतिविधि अगर कहीं पनप रही है तो उसका भंडाफोड़ कर सके? देखिए, पिछले कुछ दिनों से ये सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन, जिसे शॉर्ट में यहाँ पर आजकल क्लासो कहा जाता है, कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन, वो उनकी गतिविधियां बढ़ा दी गई है पूरे सिर्फ पुंछ में ही नहीं, जम्मू कश्मीर में जहां भी कोई संवेदनशील क्षेत्र होता है या जहां पर भी उनको कोई सस्पिशियस मूवमेंट की इनपुट रहती है, वहां पर ये सुरक्षा बलों को अधिक मात्रा में बढ़ाकर वहां पर इस तरह की सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन शुरू किए जाते हैं। और उसी के चलते हुए जो अब आप देख ही रहे हैं, रेगुलर कई दिनों से कितने ओवरग्राउंड वर्कर पकड़े जा रहे हैं, जो आतंकियों के ठिकाने हैं, गुप्त ठिकाने हैं, उनका डिस्क्लोजर हो रहा है। ये सभी इन्हीं की सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन का ही नतीजा है कि सुरक्षा बल कामयाब होते जा रहे हैं। बिल्कुल, देखना यही महत्वपूर्ण है आगे किस तरह से कार्रवाई को अंजाम यहां पर दिया जाता है सुरक्षा बलों की तरफ से। तमाम जानकारी ज्योति साझा की, उसके लिए शुक्रिया।
अब बात करेंगे अगली खबर की, जहां कश्मीर में सुरक्षा बलों के आतंकवाद के खिलाफ जंग अभी भी जारी है। आतंकवादियों पर नकेल कसने के लिए सुरक्षा बलों ने कश्मीर घाटी के अलग अलग इलाकों में अभियान चला रखा है। इसी अभियान के तहत रविवार देर रात को सुरक्षा बलों ने बारामूला जिले में एक विशेष नाके पर लश्कर ए तैयबा के एक आतंकी को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। आतंकी की पहचान एजाज अहमद मीर के तौर पर की गई है। जहां पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि कश्मीर में की गई टारगेट किलिंग में बाहरी राज्यों के मजदूरों की हत्याओं और कई स्थानों पर किए गए ग्रेनेड हमलों की जांच के दौरान कई संदिग्ध लोगों को हिरासत में भी लिया गया और उनसे लगातार पूछताछ भी की जा रही है। वहीं जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर बड़ा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुस्लिम बहुल राज्य को अल्पसंख्यक में बदलने की कोशिश कर रही है। पीडीपी प्रमुख ने परिसीमन रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि ये वही प्रक्रिया है जैसे पहले बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने में की थी। अब वही पार्टी जम्मू कश्मीर की जनसांख्यिकी को राजनीतिक रूप से बदल रही है। ये सब इस परिसीमन प्रक्रिया का उपयोग करके मुस्लिम राज्य को अल्पसंख्यक में बदलने के लिए किया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने आगे कहा कि मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए चुनाव कराना कोई विकल्प नहीं है। तो परिसीमन आयोग की रिपोर्ट पर अब महबूबा मुफ्ती की तरफ से सवाल उठाए गए हैं और बीजेपी पर साफ तौर पर निशाना साधा गया, जहां मुस्लिम बहुल राज्य को अल्पसंख्यक करार करने की बात यहां पर की जा रही है। और ऐसे में मौजूदा हालातों में जिस तरह से चुनाव की प्रक्रिया यहां पर सुचारू रूप से की जा रही है, उसको लेकर भी कहा महबूबा मुफ्ती ने कि अभी जो हालात जम्मू कश्मीर में यहां पनपते हुए नजर आ रहे हैं, उस दौरान किसी भी तरह से चुनाव कराना अभी बीजेपी के लिए सही नहीं है और आने वाले समय में इसका नुकसान भी या खामियाजा भी भुगतना किसी भी पार्टी को पड़ सकता है। और अब ऐसे में जो राजनीतिक सरगर्मी है वो यहां बढ़ती हुई नजर आ रही है। लगातार बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। मुस्लिम बहुल राज्य को अल्पसंख्यक में बदलने की कोशिश को लेकर बीजेपी पर बड़ा निशाना पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती साधती हुई नजर आई हैं। देखिए, जो डिलिमिटेशन है वो उसी एक प्रोसेस का हिस्सा है जो 5 अगस्त 2019 को हुआ। जिस तरह से इन्होंने हमारा स्पेशल स्टेटस खत्म किया, तो उसी स्पेशल स्टेटस को ख़त्म करने की ये और एक कड़ी है। इन्होंने पॉलिटिकली डेमोग्राफी चेंज करने के लिए एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बना दिया है कि जब हम कहते हैं कि ये जम्मू कश्मीर में जो आबादी का तनासुल है उसको मुसलमान मेजॉरिटी से लेके माइनॉरिटी में तब्दील करना चाहते हैं, तो जो इन्होंने डिलिमिटेशन की वो उसी का एक हिस्सा है। वहीं बात करेंगे अगली खबर की, जहां कांग्रेस यूथ विंग के नेता भानु सिंह चिब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोविड मौतों को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा निशाना साधा। भानु सिंह ने WHO की रिपोर्ट का हवाला दिया और कहा कि WHO की रिपोर्ट में 47 लाख लोगों की मौत बताई गई है, लेकिन भारत सरकार मौत के आंकड़े कम दिखा रही है। भानु सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपील भी की है कि केंद्र सरकार जल्द ही सही कोविड मौत का आंकड़ा दे। यही नहीं, उन्होंने मांग भी की है कि हर मृतक को 4 लाख का मुआवजा भी दिया जाए। टेस्ट WHO की रिपोर्ट आई और जिसमें खुलासा हुआ है कि 47 लाख से ज़्यादा मौतें भारतीयों की हुई हैं कोरोना के कारण। और जहाँ तक कि हम भारत सरकार का अगर हम उनका फिगर देखें तो वो कहते हैं कि 5 लाख से भी कम मौतें हुई हैं, तो कम से कम 42 लाख मौतों का 42 लाख से ज़्यादा लोगों का डिफरेंस आ रहा है कि जिसमें बता रहे हैं कि इतनी जाने गई कोविड से। तो हम पूछना चाहते हैं भारत सरकार से, ये जो 42 लाख लोग हैं क्या ये भारतीय नहीं हैं? इनको आपने डिसोन क्यों कर दिया? इनको आपने इनके डेथ रजिस्टर क्यों नहीं किया? इनका क्यों नहीं बताया कि ये कोविड से जाने गई हैं? वहीं जम्मू कश्मीर में विपक्ष के सभी वरिष्ठ नेताओं ने आज जम्मू प्रेस क्लब में एक मीटिंग की और इस मीटिंग में कई मुद्दों जैसे डिलिमिटेशन, रिपोर्ट 370 की बहाली, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिए जाने जैसे कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। यही नहीं, मीटिंग के अंदर महंगाई का मुद्दा भी उठता हुआ नजर आया, जिससे जनता खासा परेशान नजर आ रही है। विपक्ष के वरिष्ठ नेताओं ने बैठक की है और बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हुई। परिसीमन रिपोर्ट, आर्टिकल 370 पर भी चर्चा की गई। मीटिंग में महंगाई का मुद्दा भी गरमाता हुआ नजर आया।
वहीं बढ़ती महंगाई को लेकर जनता खासा परेशान नजर आ रही है और इस बीच महंगाई को लेकर पीडीपी यूथ विंग ने जम्मू कश्मीर में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने हाथ में एलपीजी गैस सिलेंडर लेकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान पीडीपी यूथ विंग ने नेता रजत गुप्ता ने महंगाई के पीछे बीजेपी की गलत नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। तो जम्मू में महंगाई के खिलाफ पीडीपी का प्रदर्शन यहां पर तस्वीरों में देखिए दिखा सकते हैं और ऐसे में गैस सिलेंडर के साथ विरोध दर्ज यहां पर किया गया। केंद्र सरकार पर कई तरह के बड़े बड़े आरोप लगाए गए। वो जिस तरह से यहां पर महंगाई को बदस्तूर बढ़ती हुई नजर आ रही है उसको लेकर अब सिलेंडर लेकर लोग विरोध दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं और केंद्र सरकार की नीतियों पर कई तरह के सवाल भी उठाए जा रहे हैं। ऐसे में जो देश भर की प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही है उसमें सबसे ज्यादा जो तादाद है वो महिलाओं की नजर आ रही है, लेकिन अब जम्मू भी इस तरह के प्रदर्शन साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। आज एलजी गवर्नमेंट की इधर हुकूमत है और बीजेपी उनके ऊपर बैठी हुई है। आज आप देखिए एक ग्रैनी से पूछे कि उनको किचन चलानी कितनी मुश्किल हो जाती है, एक 50-50 रुपए सिलेंडर के बढ़ाई जा रहे हैं, इतनी मुश्किल है। एक मिडिल क्लास आदमी वैसे ही रोड पे था, इन्होंने बिल्कुल रोड पे लाके खड़ा कर दिया है। आज पेट्रोल की कीमत देख लीजिए कहाँ पे पहुँच गई है। एक मिडिल क्लास आदमी को यहाँ से उठ के अगर गंग्याल बड़ी ब्राह्मणा जाना हो वो कम से कम भी उसको 200 रुपए का तेल चाहिए। वो बेचारा तेल पूरा करेगा या अपना घर चलाएगा? बच्चों की स्कूल की फीस एडमिशनें इतनी महंगी हो गई, किताबें इतनी महंगी हैं, गवर्नमेंट कि क्या देख रही है? गवर्नमेंट ने आंखें बंद करके अपनी रख दी हुई है इधर जम्मू एंड कश्मीर। अब बात अगली खबर की, जहां जम्मू स्थित एसएमजीएचएस अस्पताल से आती शिकायतों को लेकर आज अपनी पार्टी के युवा विंग के नेता सनीकांत ट्रिब ने अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान सनीकांत ने अस्पताल की समस्याओं के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि अस्पताल में एक ही बिस्तर पर 3-3 मरीजों को सुलाया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि अस्पताल के अंदर किसी भी तरह के एसओपी का पालन नहीं होता। इसके साथ ही सनीकांत ट्रिब ने आरोप ये भी लगाया कि इन सब शिकायतों को लेकर जब अस्पताल के प्रशासन से बात की जाती है तो अस्पताल प्रशासन अभद्र व्यवहार करने लगता है। तो देखिए जम्मू से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहां पर धरना प्रदर्शन किया और ऐसे में अस्पताल की खामियों को भी जनता के समक्ष रखा गया। जहां एसएमजीएचएस अस्पताल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और ऐसे में शिकायतें लगातार यहां पर प्रशासन को दी जा रही थी, लेकिन जब प्रशासन ने किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया तो खुद जो लोग हैं परिजन हैं मरीजों के वो खुद सड़कों पर उतरते हुए नजर आए और ऐसे में धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अस्पताल के एक बेड में 3 मरीजों का इलाज किया जाता है। हैं जहाँ पहाड़ी लोग हैं या दूर दराज के इलाके के लोग हैं, उनका जो ट्रीटमेंट है उनका सिफारशी तरीके से जो कहते हैं वहाँ पे होता है कि हम जैसे आम आदमी या गरीब आदमी का जो ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल नहीं होता, हमें अनदेखा किया जाता है। एक बेड पे जो है वहाँ पे 3-3 पेशेंट्स को लिटाया जाता है, वहाँ पे अंदर कोई वेटिंग हॉल का ऐसा सिस्टम नहीं है जिसके चलते लोग वहाँ पे वेट करने को एसओपीस को फॉलो नहीं किया जाता। जो प्री मेच्योर बच्चे हैं उनके लिए जो वेंटिलेटर गाड़ी होनी चाहिए वो अभी तक यहाँ पे नहीं है। अपनी पार्टी के यूथ विंग सनीकांत चिब ने आज जो है एसएमजीएच हॉस्पिटल जम्मू के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और हेल्थ सर्विसेज पर हेल्थ डिपार्टमेंट पर सवाल उठा रहे हैं कि लगातार लोगों की ऐसी शिकायतें लगातार आ रही हैं कि एक बेड पर 3-3 पेशेंट जो हैं वो सुलाए जा रहे हैं। तो लगातार इस तरह की कंप्लेंट जो हॉस्पिटल से आनी, इस पर जो है आवाज़ जो है अपनी पार्टी के यूथ विंग के जो लीडर हैं सनीकांत चिब जी उठाई है और उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि जल्द ही अगर इन कंप्लेंटों का खात्मा नहीं किया गया तो इन कंप्लेंट्स के खिलाफ उग्र प्रदर्शन भी किया जाएगा और जी सरकार से भी अपील लगाई कि इन कंप्लेंटों पर अपना ध्यान लगाएं और जो हेल्थ सर्विसेज है उसको जल्द से जल्द जम्मू में सही करने की कोशिश जो है वो की जाए। कैमरामैन ऋषि कुमार के साथ में हरमीत सिंह, जम्मू। वहीं जम्मू कश्मीर चिकित्सा कर्मचारी महासंघ ने स्वास्थ्य कर्मचारियों के लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में सभी वर्गों के विभागीय पदोन्नति पिछले 4 सालों से लंबित है जिसे बार बार कहने के बावजूद भी नहीं की जा रही। यही नहीं, डीपीसी की मीटिंग साल में 2 बार होती है लेकिन पिछले 5 सालों से अब तक वो मीटिंग नहीं बुलाई गई। कई स्वास्थ्य कर्मचारी पदोन्नति का लाभ प्राप्त किए बिना सेवानिवृत्त हो चुके हैं और स्वास्थ्य विभाग में कई पद अभी भी खाली पड़े हैं। ऐसे में फेडरल
फेडरेशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे कहा कि 12 मई को सभी कर्मचारी एक बड़ा धरना प्रदर्शन भी करेंगे, इसके बाद भी सरकार नहीं मानी तो एक बड़ा जन आंदोलन भी किया जाएगा। तो जम्मू कश्मीर में चिकित्सा कर्मचारी महासंघ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बड़े आरोप प्रत्यारोप का दौर यहां पर अब शुरू हो चुका है और ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी मांगे भी उठाई गई। पिछले 5 सालों से जो पदोन्नति नहीं की गई उसको लेकर अब यहां पर अपनी आवाज को बुलंद किया जा रहा है और ऐसे में पदोन्नति पिछले 4 सालों से लंबित पड़ी है और साथ ही स्वास्थ्य विभाग में कई पद खाली पड़े हैं जिनको लेकर कई बार प्रशासनिक अमले से भी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन फिलहाल किसी तरह का कोई यहां पर ऐलान नहीं हुआ। लेकिन अब 12 मई को कर्मचारियों की तरफ से प्रदर्शन का ऐलान कर दिया गया है। 12 तारीख को जम्मू चलो का जो प्रोग्राम दिया गया है उसमें जम्मू प्रोविंस से सभी हमारे एम्प्लाई यहाँ पहुँच रहे हैं और एक विशाल धरना प्रदर्शन 12 मई को सुबह 10:30 बजे यहाँ पे शुरू होगा, जिसका मुख्य कारण जो है पिछले लंबे समय से जो हमारी पेंडिंग डिमांड्स हैं उसमें सबसे जो मेन डिमांड है वो DPC की है, क्योंकि GAD का एक ऑर्डर है कि हर 6 महीने में DPC होनी चाहिए। तो यहाँ पे पिछले 5 साल से हमारी ये डिमांड पेंडिंग है, DPC नहीं हुई, जिसकी वजह से जो हमारे मेन इंस्टीट्यूशन है जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं वो बुरी तरह से अफेक्टेड हो रहे हैं, क्योंकि जो पिछले 4 साल से एम्प्लाई हमारे वहाँ से रिटायर हुए हैं वो पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं। जब पेशेंट वहाँ पे आता है वहाँ पे एम्प्लाई नहीं मिलता तो पेशेंट्स को तकलीफ होती है। दक्षिणी कश्मीर में अनंतनाग जिले के काजीगुंड पंचायत नाग फिशिंग महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां इस महोत्सव में आसपास के गांव के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये जो अनोखी तस्वीरें आप जो देख रहे हैं ये फिशिंग महोत्सव की है। दरअसल इस महोत्सव में सैकड़ों ग्रामीण मछली पकड़ने के लिए एक ही दिन चुनते हैं। धान के खेतों की जुताई से पहले पंचायत नाग झरने की सफाई लगभग 10 गांव के लोग इसी एक ही दिन में करते हैं। इस दिन ही सैकड़ों लोग एक साथ मछली पकड़ते हैं और झरने सफाई भी करते हैं। जो स्थानीय लोगों ने बताया कि मछली पकड़ना तो बहाना है, असल में इसके जरिए झरने की सफाई की जाती है और इसी त्योहार वाले दिन ये पूरे झरने की सफाई कर देते हैं, जहां झरने से घास के हट जाने से पानी और ज्यादा निकलता है और इससे फसलों को भी लाभ होता है। इस त्योहार के बहाने ना सरकार से मदद लेने के लिए गुहार लगानी पड़ती है और ना ही झरने को साफ करने के लिए सरकारी मदद के इंतजार में बैठना पड़ता है। तो अनंतनाग की तस्वीरें जहां पंचायत नाग फिशिंग महोत्सव का आयोजन किया जाता है और ऐसे में आज की तारीख को इसका चयन किया जाता है, जहां काजीगुंड में ये अनोखा महोत्सव मनाया जा रहा है। कहते हैं कश्मीर में लवज कम सफाई है, क्लीनिंग होती है, इसमें ड्रेनिंग होती है, इसलिए कि इससे ये जो घास फूस साल भर इसमें घास फूस उगता है वो खत्म हो जाता है और इसमें ज़्यादा पानी निकलता है और वो हमारे खेतों में काम आता है, इसीलिए वो हम करते हैं। ये फिशिंग बहाना है, ये फिशिंग बहाना है क्योंकि उस बहाने से लोग आते हैं। तो ये हमारे परदादा से मतलब मैं भी आज तकरीबन 70 साल का हूँ, मेरे बाप ने भी ये देखा है, उसके बाप ने भी देखा है, उन्होंने भी हमें कहा और ये सदियों से यहाँ से ये चल रहा है। हमारा ये हर साल फेस्टिवल होता है हमारे विलेज में। हम इस दिन यहाँ पे पहले क्लीनिंग करते हैं यहाँ पे सोर्स पे और यहाँ पे फिशिंग भी करते हैं। जो यहाँ पे एडजॉइनिंग एरियाज है, एडजॉइनिंग विलेज है, वो यहाँ पे आते हैं लोग, वहाँ से फिशिंग करने के लिए आते हैं। जम्मू कश्मीर के दुबजान मुगल रोड पर यात्री टेम्पो हादसे का शिकार हो गया, जहां हादसा होने के कारण टेम्पो में सवार यात्री घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही सेना की 15 गढ़वाल राइफल्स मौके पर पहुंची और घायलों को फर्स्ट एड दिया गया। इसके बाद सेना ने घायलों को पासी के अस्पताल में भर्ती भी कराया। मुगल रोड पर कुछ ही दिनों में ये दूसरी घटना बताई जा रही है। तो सेना की 15 गढ़वाल राइफल्स ने यहां पर मदद की, जहां घायल यात्रियों को सेना ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। ऐसे में टेम्पो पलटने से दुबजान मुगल रोड पर यह बड़ा हादसा हुआ। उसके बाद घायलों की फिलहाल क्या कुछ संख्या है वो सामने नहीं आई, लेकिन यहां पर प्रशासनिक अमले की तरफ से और सुरक्षा बलों की तरफ से पूरे एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं।
वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इस समय पर्यटक भारी संख्या में आ रहे हैं, जहां मैदानी इलाकों में एक तो बढ़ती गर्मी का प्रकोप और दूसरा कोरोना से मिली राहत, इन सबसे निजात मिलने के बाद बड़ी संख्या में पर्यटक कश्मीर और लद्दाख का रुख कर रहे हैं। सैकड़ों पर्यटक दुनिया के सबसे ठंडे इलाके द्रास में भी पहुंच रहे हैं। यहां पर्यटक खास तौर पर कारगिल में बने युद्ध स्मारक को देखने के लिए पहुंचते हैं। कहते हैं कि लद्दाख की यात्रा करते हुए मातृभूमि के शहीदों को श्रद्धांजलि दिए बिना आपकी यात्रा अधूरी रहती है, इसलिए जो भी पर्यटक सड़क मार्ग से लद्दाख के लिए जाता है वो युद्ध स्मारक पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि जरूर देता है। हम लद्दाख सारा एक्सप्लोर हमने किया है, लद्दाख के काफी जगह पे हमने विजिट की है, जैसे लेह है, नुब्रा है, पेंगोंग है और कारगिल है। उसके बाद आज हम द्रास में पहुंचे हैं। द्रास में जो कारगिल वॉर मेमोरियल है, इसमें आज सारा महाराष्ट्र का ग्रुप आप देख रहे हो, मेरे साथ में है टोटल 60 लोगों का ग्रुप है, सारे सीनियर सिटीजन, सारे बच्चे, यंग जनरेशन, सारे लोग अपने देश के वॉर मेमोरियल को सलाम करने के लिए आज यहाँ पर पहुंचे हैं। जम्मू कश्मीर के ऐतिहासिक मुगल रोड पर इन दिनों ब्लैक टॉपिंग का काम चल रहा है। राजौरी पुंछ को कश्मीर घाटी से जोड़ती इस रोड को पर्यटकों के लिए बेहद खास माना जाता है और यही कारण है कि गर्मियों के मौसम से सड़कों की मरम्मत भी की जा रही है ताकि पर्यटकों को आने जाने में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। देखिए रिपोर्ट। बड़ी बड़ी पहाड़ियों के बीच से गुजरती ये खूबसूरत सड़कें कहीं और की नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के राजौरी की हैं। दरअसल राजौरी के ऐतिहासिक सड़कों की मरम्मत का काम तो चल रहा है। आमतौर पर सर्दियों के मौसम में 5 से 6 महीनों तक बंद रहने वाली इन सड़कों को गर्मियों में ठीक किया जा रहा है। इस वक्त मुगल रोड के 17 किलोमीटर स्ट्रेच पर ब्लैक टॉपिंग का काम किया जा रहा है। रोड पर ब्लैक टॉपिंग के काम से जुड़े कर्मचारी ने बताया कि पिछले साल नवंबर में उन्हें काम मिला, जिसके बाद सर्दियां खत्म होते ही 1 मार्च से रोड पर काम शुरू कर दिया गया। 17 में से 15 किलोमीटर का काम अच्छे मौसम के चलते पूरा कर लिया गया है। मुगल रोड का काम हमें पिछले साल लगभग नवम्बर में मिला था। अल्लाह का शुक्र है कि मौसम ठीक रहा, हमने मार्च पहले मतलब 1 मार्च से ही शुरू किया। ये मौसम ठीक रहा, कभी भी बारिश नहीं हुई लगभग महीने डेढ़ महीने में, तो इस वजह से इस रोड पे जो हमने काम स्टार्ट किया वो बड़ी अच्छी तरह से हो गया। कभी भी कोई मतलब एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले प्रेफर करना चाहेंगे कि श्रीनगर ही जाएँ, क्योंकि जम्मू के लिए यहाँ से रास्ता बहुत दूर है, टाइम भी लगता है और मतलब ये किलोमीटर के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा है। रोड पर ब्लैक टॉपिंग के लिए 8.54 करोड़ का बजट आवंटित किया गया। उसी बजट के अंदर ब्लैक टॉपिंग के लिए कई मशीनों को लगाया गया, जिससे कि काम लगातार जारी है। स्थानीय लोगों ने भी खस्ताहाल रोड के पक्का हो जाने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि इससे न सिर्फ व्यापारियों को लाभ होगा बल्कि पर्यटकों को भी जम्मू कश्मीर घूमने में आसानी होगी। जो अलॉटेड कास्ट है वो 8.54 करोड़ है और इसमें हमें रिन्यूअल कोट है, जहाँ पे सरफेस अच्छा है वहाँ पर रिन्यूअल कोट है, बाकी नीचे रिपेयर टू द बेस कोर्स भी है इसमें विद बीएम एंड डब्ल्यूएमएम। मुझे भी हो गया यहाँ पे, जब से मुगल रोड बनी है तो ऐसी जो आपने ये ब्लैक टॉपिंग की है तो आज तक मैंने देखी नहीं कि ऐसा काम हुआ है, यानी आज देखा है हमें, तो बहुत खुशी हुई है कि हमारा ये ब्लैक टॉपिंग जो है बहुत वेल एंड गुड अच्छा हुआ है। टूरिज्म हमारे एरिया में बहुत अच्छी जगह है, नूरिचम है, उसके बाद ये पीछे डोगेन नंदन सार है, बहुत काफ़ी जगह है। यहाँ अगर एक गंडोला लगाया जाए ताकि आम आदमी जो है उस एरिया पे चल सकता है, क्योंकि जम्मू खासकर जम्मू सूबे में और हमारा जो ये पंचसरा एरिया है इसमें इतनी अच्छी जगह है टूरिज्म के लिए, लेकिन कोई आदमी ध्यान नहीं देता है। मुगल रोड सीमावर्ती जिले राजौरी पुंछ को कश्मीर घाटी से जोड़ता है। मुगल रोड पर कई अच्छे प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलते हैं, इसी वजह से मुगल रोड पर्यटकों की पहली पसंद रहती है। यही कारण है कि ये रोड पर्यटन के लिहाज से भी बेहद अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।
और अब बात करेंगे अगली खबर की, जहां मां बगलामुखी जयंती के मौके पर आज जम्मू के अलग अलग मंदिरों में मां बगलामुखी की पूजा अर्चना भी की गई। मां बगलामुखी को आराधना शत्रुओं के नाश के लिए की जाती है, जहां मां बगलामुखी के भक्तों ने आज अखनूर रोड पर बगलामुखी के मंदिर में भी पूजा अर्चना और यज्ञ किया। इस दौरान मंदिर की तरफ से लंगर भी लगाया गया, जहाँ भक्तों ने मां बगलामुखी की पूजा अर्चना की। कश्मीर डायरी के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।